हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज ऑन एआर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। आज सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तौर पे 3 इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को इंक्लूड किया है और 3 ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट को यहाँ पे इंक्लूड है वो किया है। तो क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये हम एक बार देख लेते हैं। देखो आपको एक चीज़, अभी एचआरडी मिनिस्ट्री की एक कमेटी आई थी जिसका नाम था गोपाला स्वामी कमेटी। ये आपको ध्यान रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये गोपाला स्वामी कमेटी थी, ये इसलिए आई थी ताकि हमारे देश की जो हायर एजुकेशन है ना, इसको एक तरीके से वर्ल्ड क्लास के तौर पे बनाया जा सके। क्योंकि अभी जो रैंकिंग जारी की गई थी ऑल ओवर वर्ल्ड की, उसमें हमारे देश के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट आए ही नहीं थे रैंकिंग में। मतलब हमारे देश की एजुकेशन क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से जो हमारे देश के इंस्टीट्यूट थे वो टॉप वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में शामिल नहीं हो पाए थे। टॉप 100 की बात यहाँ पर बेसिकली की जा रही है। तो उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, एक कमेटी बनाई, गोपाल स्वामी कमेटी। और इस कमेटी का मेन टारगेट ये है कि हमारे देश के 20 इंस्टीट्यूट हैं उनको कम से कम टॉप वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट के तौर पे तैयार है वो किया जा सके। अब इनके लिए क्या क्या फैसिलिटी होंगी वो हम एक बार देखेंगे। तो उन जो 20 वर्ल्ड क्लास जो इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे इंडिया के, उनको एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा है वो दिया जाएगा। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 6 को तो अभी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, 14 अभी भी बाकी हैं। ये 20 जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे इसमें 10 तो होंगे प्राइवेट सेक्टर के और 10 होंगे गवर्नमेंट के। इसीलिए यहाँ पे 3 है वो गवर्नमेंट सेक्टर के भी इंक्लूड किए गए और 3 प्राइवेट के। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कंटेक्स्ट अब हमें समझ में आ गया है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तौर पे उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, क्या क्या उनको काम किया जाएगा वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अगर गवर्नमेंट को वर्ल्ड क्लास के इंस्टीट्यूट बनाने हैं तो ऑब्वियसली उन्हें सिलेबस वगैरह है वो भी वर्ल्ड के लेवल के अकॉर्डिंग होगा। बाकी वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके मुताबिक उन्हें सिलेबस तैयार करना होगा। इसके साथ ही जो इंस्टीट्यूट हैं उनको ऑटोनॉमी वगैरह भी प्रोवाइड करवानी होगी। ये सब काम यहाँ पे बेसिकली किए जाने हैं। इसी के साथ ही अहम बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए उनको फाइनेंशियल एड है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी 1000 करोड़ तक की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये करवाई जाएगी लगभग आगे आने वाले 5 सालों तक। मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है जिसको गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है, उसको गवर्नमेंट लगभग 1000 करोड़ तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट है, सपोर्ट है, वो प्रोवाइड करेगी 5 साल तक के लिए। इसके साथ ही अहम बात क्या है, ऑटोनॉमी दी जाएगी। अभी तो देखो क्या होता है कि जो भी इंडिया में यूनिवर्सिटी वगैरह होती है हायर एजुकेशन के लिए वो आती है UGC के अंडर, और UGC उनको अच्छे से रेगुलेट वगैरह करती है, सिलेबस वगैरह सारा काम वो बेसिकली करती है। बट बात करें अगर वर्ल्ड क्लास की, तो बस भी भाई उनके मुताबिक होना चाहिए, स्टाफ वगैरह वो भी फॉरेन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक काम होना चाहिए। और आपको पता है कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम होगा तो ऑब्वियसली ऑटोनॉमी ज़्यादा देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को। तो मेन बात सीधी है कि इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमी वगैरह रहेगी, वो फॉरेनर के लिए फीस वगैरह आराम से बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही जो फॉरेन स्टूडेंट है, फैकल्टी वगैरह है, उनको भी थोड़ा यहाँ पे छूट वगैरह दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको अट्रैक्ट यहाँ पे किया जा सके। फिर बात ये की जा रही है कि अकेडमिक कोलेब्रेशन का मतलब ये है कि जैसे आपने कई बार सुना होगा कि इस कॉलेज का है, ये बड़े वाली जैसे MIT यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है। मतलब किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ अगर किसी इंस्टीट्यूट का टाइप होता है या उसके साथ कोलेबरेट मिलकर काम करती है तो वो हो गया अकेडमिक कोलेब्रेशन। कई बार क्या होता है, इंडिया के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो वर्ल्ड के टॉप क्लास इंस्टीट्यूट के साथ कोलेबरेट होकर काम करते हैं, उनके साथ उनको काफ़ी सपोर्ट वगैरह मिलता है, तो वो बात यहाँ पे की जा रही है। तो ऑल ओवर इसका मोटो यही है कि भाई हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट हैं या बोल सकते हो हायर एजुकेशन के कॉलेज हैं, उन सबको ऐसा तैयार करना है ताकि वर्ल्ड के टॉप 100 कॉलेजों में वो भी इंक्लूड हो जाएं। इसके लिए उनको ऑटोनॉमी वगैरह सारे फंड वगैरह गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पे आपको तो गोपाल स्वामी कमेटी आपको अच्छे से याद रखनी है, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस पे UPSC डायरेक्टली पूछ सकती है क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। वो भी हमने जाना था कि टॉप वर्ल्ड के 20 क्लास इंस्टीट्यूट बनाने हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने उनको एक टैग है वो दिया है एक तरीके से। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो आई है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके बारे में बेसिक फीचर्स देख लेते हैं। कंटेक्स्ट अभी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट को सामने आ रहे हैं, उन सब से निपटने के लिए गवर्नमेंट डील है, नई पॉलिसी है, नए तरीके से काम है वो कर रही है। तो हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया का है। देखो गवर्नमेंट ने 2 स्कीम चलाई थी, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एरिया के लिए और एक चलाई थी अर्बन एरिया के लिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रूरल एरिया के लिए जो स्कीम चलाई गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। रूरल एरिया वाले का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम यहाँ पर फिलहाल बात करेंगे अर्बन वाले की। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एलिवेशन के बारे में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। काम क्या है इसका मेन मोटो आप बोल सकते हो, मेन एम है वो इसका ये है कि 2022 तक सभी के लिए अफोर्डेबल घर है वो तैयार करना। अब देखो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, UPSC ऑप्शन में आपको ऐसे कन्फ्यूज कर सकती है कि इसमें
गवर्नमेंट है वो सब लोगों को घर बना के प्रोवाइड करवाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें गवर्नमेंट लोगों को घर बना के नहीं देने वाली है फ्री में कि हाँ भाई ठीक है आप घर लीजिए। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, जो हाउसिंग लोन होता है ना उसमें सब्सिडी देगी। जैसे कि मान लो कि नॉर्मली हाउसिंग लोन 8% है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी 6.5% का सब्सिडी दे देगी, मतलब अगले पर्सन को सिर्फ और सिर्फ देना पड़ेगा 1.5%। तो इस तरीके के जो काम है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अर्बन वाला हिस्सा है उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी 6.5% तक हाउसिंग लोन में। बस ये चीज़ हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2022 तक सब लोगों को घर प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप है वो उठाए गए हैं, तो ये यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो ये INS तरीकांत के बारे में, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि INS तरीकांत क्या है। इंडियन नेवल शिप तरीकांत की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह एक वॉर शिप है इंडिया का जो कि फ्रंट लाइन के तौर पर मतलब आगे आगे ये फ्रंट लाइन शिप है वो रहेगा। कंटेक्स्ट अभी यह है कि अभी जो INS तरीकांत है ये अभी श्रीलंका के मतलब पास गया था, श्रीलंका में गया था गुडविल के तहत, तो कंटेक्स्ट कुछ इतना खास हमारे लिए बनता नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि INS तरीकांत है क्या, क्या कोई शिप है या फिर कोई पनडुब्बी है फिर न्यूक्लियर सबमरीन ऐसा कुछ क्या है, UPSC ऐसे हमें पूछ लेती है। बेसिकली इसका फीचर्स ये है कि यह एयर से भी कोई खतरा आ रहा हो या फिर सरफेस से कोई खतरा हो रहा हो या फिर नेवी से कोई भी खतरा का खतरा आ रहा हो, मतलब जल थल वायु तीनों तरह के खतरों से निपटने के लिए सक्षम है। लेटेस्ट इक्विपमेंट वगैरह, लेटेस्ट जो मॉडर्न आप बोल सकते हो कि हथियार वगैरह हैं उनसे सबसे लेस हैं, तो ये कुछ हमें ध्यान इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ आई है वो आई है ADB के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कंटेक्स्ट ये है कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार को $84 मिलियन रुपीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाने की बात यहाँ पे की है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कंटेक्स्ट कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर डेवलपमेंट के लिए ADB ने पैसा है वो दिया है। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो एक तरीके से वर्ल्ड बैंक के तौर पे ही है, क्योंकि आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक है उसमें नॉर्मली एशियन कंट्रीज़ के द्वारा ऐसे आरोप लगाया जा रहा था कि भाई वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा वेस्ट है और एशियन कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करता है। ओब्वियसली वेस्टर्न लोगों के द्वारा बनाया गया था तो उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा था वो, और इसी तर्ज पर एशियन लोगों ने या एशियन कंट्रीज़ ने मिलकर एशियन डेवलपमेंट बैंक का निर्माण किया एक तरीके से वर्ल्ड बैंक की तरह ही। तो यह एक तरीके का एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि मेनली फोकस करता है एशिया पे, ये ध्यान रखना है, मेनली फोकस करता है एशिया पे ना कि ओनली। यहाँ पे UPSC ऐसे पूछ सकते हैं कि ओनली फोकस ऑन एशिया, भाई ऐसा नहीं है, एशिया पैसिफिक दोनों वाले एरिया में बेसिकली फोकस करता है। बात करें इसके सदस्यों की तो इसमें 67 मेंबर है इसके, जिसमें 48 कंट्री हैं वो तो एशिया की हैं, 19 कंट्री हैं वो बाहर की है जिसमें USA वगैरह बाकी और कंट्रीज भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो ये ध्यान रखना कि केवल एशियन कंट्री ही इसके मेंबर नहीं है, बस इसका फोकस मेन है वो एशिया पे रहता है। 1996 में इसको बनाया गया था रीजनल डेवलपमेंट बैंक के तौर पे। हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है इसका फिलीपींस में। चलो आप ये बताइए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो आपको बताना है। अब देखते हैं आगे, इसका एम इसका यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एशियन कंट्रीज़ का वो करना, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इसके साथ ही एशिया और पैसिफिक वाले एरिया में जो गरीबी है उसको दूर करना। तो ध्यान रखना एशिया पैसिफिक रीजन में गरीबी से निपटने के लिए काफ़ी प्रोग्राम वो चलाता है, इसके साथ ही एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए काफ़ी फंड वगैरह इसके द्वारा प्रोवाइड है वो करवाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स इसके काम के हैं वगैरह वो हमें ध्यान रखनी है। अब बात करें इसकी वोटिंग राइट की, तो इसका वोटिंग राइट का सीन ऐसा है कि देखो जिस कंट्री ने जितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें दे रखा है उसके मुताबिक उसको एक यहाँ पे वोटिंग राइट है वो मिलता है। मतलब सीधी सी बात है कि जितनी उनकी कैपिटल है कंट्री की उसके मुताबिक, तो जापान की सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है यहाँ पे, फिर USA की है, फिर चाइना की है और फिर इंडिया की है। तो ये थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे कैसे सिक्वेंस वगैरह यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है रामा मिशन के बारे में। तो क्या है रामा मिशन पहले तो देख लेते हैं। रामा मिशन का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूटिंग एस्टेरॉयड इनटू मैकेनिकल ऑटोमाटा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो रामा मिशन यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं कि है किसका, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट UPSC पूछ सकती है ओनली और ओनली नासा का मिशन है ये रामा मिशन है, वो नासा का मिशन है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। काम क्या है इस मिशन का वो हम डिस्कस करते हैं। देखो जो एस्टेरॉयड होते हैं ना स्पेस के अंदर घूमते रहते हैं इधर उधर आपको पता है, उनको अगर स्पेस क्राफ्ट के तौर पर यूज़ कर लिया जाए तो काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते हैं उसके। एक तो उनके बीच में कोलिजन नहीं होगा, फिर उनको स्पेस क्राफ्ट के तौर पर यूज़ करने से काफ़ी अच्छा बेनिफिट तो हमें यही होने वाला है। तो नासा अभी ये प्रोग्राम चला रखा है, नासा ने मिशन चला रखा है कि भाई जो भी स्पेस में एस्टेरॉयड है ना उनको स्पेस क्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाए। मतलब जैसे कि ये मान लो ये कोई एस्टेरॉयड है, इसके यहाँ पे कुछ मतलब इसके मशीन वगैरह है वो लगा दी जाए
इक्विपमेंट वगैरह, ताकि एक तरीके से क्या हो जाएगा, स्पेस क्राफ्ट के तौर पे उसका यूज़ किया जा सकेगा। तो फिर इसके मनमर्जी हम जहाँ भी यूज, इसका जो भी यूज करना चाहें, चाहे आप स्पेस सेंटर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, वहाँ पे इसका हम यूज़ वगैरह कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे एस्टेरॉयड की। देखो एस्टेरॉयड होते हैं ना, वो एक तरह के प्लेनेट ही होते हैं, पूरे पूर्ण रूप से तो प्लेनेट नहीं बोल सकते आप उनको कि 100% प्लेनेट ही है, बट एक तरीके के प्लेनेट टाइप ही होते हैं, मतलब प्लेनेट जैसे ही होते हैं, बस उनके काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, वो तो हम खैर काफ़ी डीपली हो जाते हैं। बट हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एस्टेरॉयड होते हैं ना, उनको स्पेस क्राफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए नासा ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम है रामा मिशन। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। एस्टेरॉयड है वो एक तरीके के प्लेनेट टाइप की ही एक बॉडी है, वो होती है जो स्पेस में मूव करती रहती है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है, वो आता है ग्रेस फो मिशन के बारे में। तो देख लेते हैं क्या है ग्रेस फो मिशन, इस पर यूपीएससी यहाँ पे हमें पूछ सकती है। ग्रेस फो मिशन का मतलब ये है कि ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन मिशन। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो तो सबसे पहली बात यह कि ये मिशन है किस का, तो ग्रेस फो मिशन है वो एक्चुअली नासा और जर्मन रिसर्च सेंटर है उन दोनों का, मतलब नासा और जर्मन रिसर्च सेंटर है या जर्मनी के जो रिसर्च सेंटर है उन दोनों के द्वारा मिलके पार्टनरशिप में ये मिशन है वो स्टार्ट किया गया है। क्या इस मिशन में वो भी हम जानते हैं। सबसे पहले बताऊँ कि ग्रेस फो मिशन है, इससे पहले 2002 में एक मिशन और भेजा गया था इन दोनों के द्वारा, वो था ग्रेस मिशन ओनली। तो ग्रेस मिशन क्या, पहले हम वो देख लेते हैं। ग्रेस मिशन था उसका मेन मतलब ये था कि देखो जो ग्रेविटी है ना हमारी अर्थ के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर एक ग्रेविटी है, इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से क्या क्या वेरिएशन, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन सब वो स्टडी करने के लिए हर 30 दिन में डाटा प्रोवाइड वो करवाता था ग्रेस मिशन। ध्यान से सुनना, ग्रेस मिशन और ग्रेस फो मिशन दो मिशन है। ग्रेस मिशन है वो 2002 में लॉन्च किया गया था। ग्रेस मिशन का मेन मोटो ये था कि जो ग्रेविटी है ना हमारी अर्थ सरफेस पे, उसको एक बार मैप करना, उसको एक तरह से ग्रेविटी फील्ड को तैयार करना, मतलब मैपिंग कर लेना कि हाँ भाई कहाँ पे ग्रेविटी कैसी है, क्या क्या इसके फीचर्स है, कहाँ का कैसा काम कर रहा है, वो हर 30 दिन में डाटा इसका तैयार किया जाता था, वो था ग्रेस मिशन। अब बात करें ग्रेस फो मिशन की, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था कुछ टाइम पहले, तो अभी वो अर्थ की ऑर्बिट में प्रॉपर ढंग से सेटल हो गया है, उसको लेकर कंटेक्स्ट यहाँ पे आया है कि ग्रेस फो मिशन है वो इंडियन जो सॉरी अर्थ ऑर्बिट है उसमें सेटल हो गया है, उसके बारे में आया है। और ग्रेस मिशन का मेन मोटो ये है कि क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट करेगा कि क्लाइमेट से हमारे एनवायरनमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके साथ ही ग्रेविटी रिकवरी के लिए बेसिकली काम करने वाला है। तो आप बोल सकते हो कि ग्राउंड वाटर है उसको चेक करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, सोइल की मॉइस्चर कैसी है उन सबको चेक करेगा, आइस और जो आप बोल सकते हो कि ग्लेशियर है वो कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं उन सब के बारे में स्टडी करने के लिए, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट का कैसे इफेक्ट आ रहा है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इन सब के लिए स्टडी करेगा ग्रेस फो मिशन। तो ध्यान रखना कि नासा और जर्मन रिसर्च सेंटर का ये मिशन है। अब देखते हैं एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, जो कि गोपाला स्वामी कमेटी आई थी, उसके तौर पर 20 इंस्टीट्यूट को तैयार करना था जिसमें 10 प्राइवेट थे 10 गवर्नमेंट थे। तो अभी 6 इंस्टीट्यूट तो तैयार यहाँ पे करने की बात है वो आई है। इसके बाद हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया की, इसके साथ हमने देखा INS त्रिकांत है वो एक इंडिया के फ्रंट लाइन वॉरशिप है। इसके साथ हमने देखा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एक तरीके से वर्ल्ड बैंक के तौर पे ही बनाया गया है, जिसका मेन मोटो ये है कि एशियन कंट्रीज़ का डेवलपमेंट करना। पर ध्यान रखना ओनली इन एशियन कंट्री की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में बात की हमने रामा मिशन, जो कि नासा का एक मिशन है, रिकॉन्स्टिट्यूटिंग एस्टेरॉयड इंटू मैकेनिकल ऑटोमेटा। इसके बाद हमने देखा कि ग्रेस फो मिशन है वो भी ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन एक मिशन है, जो कि अर्थ के ऊपर जो ग्राउंड वाटर है उसमें चेंजेज आ रहे हैं, सोइल मॉइस्चर में चेंजेज आ रहे हैं, आइस और क्लाइमेट चेंज की बात यहाँ पे की जा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उन सब के बारे में स्टडी है वो की जाएगी। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।